क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। कौन सी विधानसभा है? विक्रम विधानसभा है। किसे दे रहे हैं वोट? किसको दे रहे हैं? महागठबंधन का। क्यों, क्या, कैसे, मतलब कैसे चुनते हैं अपने चुनाव को? काम करने वाला आदमी है। कौन? महागठबंधन का जो सरकार बनेगा 10 लाख नौकरी देगा रोजगार को। नीतीश कुमार आज तक कोई काम नहीं किया है। तो विधानसभा में तो प्रत्याशी को वोट देते? सिद्धार्थ जी को देंगे। मतलब महागठबंधन को देंगे या महागठबंधन में लोग? महागठबंधन में है, यहाँ से पंजा छाप है यहाँ के। मोदी जी तो महागठबंधन को ठगबंधन बताते हैं, ये क्या चक्कर है? मोदी जी को अपना जो बताना है से बताने बतावे, यहाँ कुछ नहीं है, जो है से एकदम महागठबंधन सही है। सही है? हाँ। विकास नहीं हुआ है? विकास नहीं हुआ इसलिए कि आज नल जल के जितना काम 7 निश्चय में नीतीश कुमार के चल रहा है, एको नल चल नहीं रहा है, सब भीतर ही पाइप रह गया। ट्रामा सेंटर को यहाँ दिए थे सीपी ठाकुर, आज ले वो बंद है, आज ले चालू नहीं हुआ। बेटा चीनी मिल बिक गया लालू जी, लोग कहता है कि लालू जी सब फैक्ट्री बंद कर, ठीक है वो फैक्ट्री बंद कर दिए थे, लेकिन नीतीश कुमार आया तो उसको चालू करना चाहिए था, तब न विकास होता। वो चीज़ें बेच दिया, जैसे में बेटा चीनी मिल है, जाइए बेच दिया, जमीन से लेकर सारा चीज़ें बेच दिया, ना लोहा लगकर उसका कम से कम चालू करना चाहिए था, तब ना विकास होता, नौकरी मिलता, कमाता, बाहर पलायन लोग कर रहा है। ये मुद्दों में, इन्हीं मुद्दों में चुनाव होने वाला? आपकी महागठबंधन के सरकार बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसका सरकार बन रहा है? सरकार तो आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं? सरकार तो जो जनता वोटिंग करेगी उसके बाद डिसाइड होगा ना। हाँ, तो हम भी जनता है, हम तो चाहेंगे कि नॉन एनडीए यहाँ पे गवर्नमेंट बने पूरे बिहार में। अच्छा, और क्या वजह है इसकी? वजह है कि सबसे ज्यादा इशू जो रेज होके आया है भ्रष्टाचार, करप्शन मेन इशू है। ऐसा कोई भी एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, चाहे प्रशासन का हो या विकास का हो, आप थाने का देख लीजिए, प्रशासन का क्या पोजीशन है? थाने से गाड़ी लेके निकलता है, उसका बस मात्र एक ही काम है, पैसा तहसीलना। और आप ब्लॉक में जाइए, भ्रष्टाचार का क्या स्थिति है? तो भ्रष्टाचार यहाँ एक्सट्रीम लेवल पे है। पर लालू जी के टाइम से बढ़ा है, कम हुआ है? बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। लालू के राज में तो छुप छुप के होता था, अब तो खुलेआम हो रहा है, आपका फिक्स है कि कितना पैसा लेना है, इतना में ये काम होगा। मोदी जी बताते हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। मोदी जी भ्रष्टाचार अकेले खत्म करने के लिए, ठीक है मोदी जी कह रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का कहा हुआ उनके जो कार्यकर्ता हैं, कहाँ भ्रष्टाचार को रोकने का काम कर रहे हैं? मोदी जी अकेले क्या करेंगे? पूरे इंडिया में यहाँ खड़ा होकर मोदी जी भ्रष्टाचार को रोकेंगे क्या? लेकिन वो दावा करते हैं कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता और उनके लोग, उनके कार्यकर्ता कोई नहीं, हमको एक उनके कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, किसी भी पार्टी का एनीबॉडी एल्स, जो यहाँ करप्शन का स्थिति है पूरे बिहार में, वो करप्शन एक्सट्रीम लेवल पे है। चाहे आप प्रशासन में करप्शन, यहाँ बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप थाने में एक छोटा सा मैटर हो जाएगा तो जाएगा तो सीधे दलाली का बात करेगा, पैसा कितना चाहिए, 5,000, चलो हम 3,000 में काम करा दिए, तो करप्शन तो बढ़ा ना। अच्छा, भ्रष्टाचार खत्म करने का बड़ा मुद्दा पप्पू यादव जी बता रहे हैं, उनकी क्या स्थिति लग रही है? नहीं, हमारे यहाँ तो पप्पू यादव जी जो पिछले साल पानी में जो पटना में काम किए, वो एक बहुत ही काबिले तारीफ काम किए, नो डाउट, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई पप्पू यादव जी का सीन नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा मैटर है ही नहीं। और चिराग भाई का बहुत नाम चल रहा है, वो भी भ्रष्टाचार विरोध की बातें कर रहा है। हाँ, चिराग का चलेगा, क्योंकि कल तक जो लोग कहते थे कि नीतीश कुमार का कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन अभी लोगों के बीच में निकल गया है, वो है चिराग पासवान, और आगे के डेट में, इस बार नहीं लेकिन लोगों के नज़र में ही बन गया है कि नीतीश कुमार के बाद कोई अगर बिहार को लीड करेगा तो एक विकल्प के रूप में चिराग पासवान को देखा जा रहा है। और एक नेता के तौर पर चिराग पासवान को आप कैसा मानते हैं? बिल्कुल अच्छा मानेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि बाप का किया हुआ सब कुछ है, रामविलास पासवान से पूरा ट्रेनिंग पाए हुए, तो सब कुछ तो उनके पास है, अवेलेबल, यंग लड़का है, एनर्जेटिक है, पढ़ा लिखा है, तो विश्वास के साथ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है।